फाइनल में जो मुकाबला 90% साउथ अफ्रीका जीत गया था, उसे हारने के बाद वो हार नहीं पचा रही हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स। आखिर कैसे एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, तो ये मैच जो वो जीत चुके थे वो कहां हार गए? कोई सूर्या का कैच का बहाना बना रहा, तो कोई भारत पर बेईमानी का फिक्सर का आरोप लगा रहा। तो जी हाँ, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के साथ एक बार वही हुआ जो हमेशा से उनके साथ होता आ रहा है, लेकिन इस बार मंच थोड़ा बड़ा था। हर बार सेमीफाइनल में हारते हैं, लेकिन अब की बार फाइनल का मंच था। मैच के बाद मैदान पर उन खिलाड़ियों के आंखों में आंसू देखे गए। 30 साल समय हो गया है, लेकिन कोई भी ICC टूर्नामेंट इन्होंने अपने नाम नहीं किया है। इससे बड़ा दुख किसी भी टीम के लिए क्या हो सकता है। हर खिलाड़ी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मैच के बाद उन दिग्गजों के बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। इन खिलाड़ियों के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो मुकाबला हमारे हाथ में था, जो हमारे प्लेट में परोसकर हमें रख दिया गया, आखिर हम कहां ये हार गए मुकाबला? क्या भारत ने ऐसा कोई खेल दिखाया? क्या सूर्या का वो कैच था? क्या पांड्या का वो विकेट था? क्या फिर भारत का ही कोई अच्छा लक था, या फिर हम ही चौकर्स हैं? ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और इसी वजह से तो उनके बयान अब चर्चा में आ रहे हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका के दिग्गज किस तरह से बयान दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में भारत की जीत की वजह बता दीजिए, साउथ अफ्रीका की हार की वजह बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्रिकेट अपडेट पाने के लिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, हमें सपोर्ट करें। देखिए, इंडिया की जीत की खुशी में ही सब्सक्राइब करते हैं, इतने सालों बाद जीता है तो इस खुशी में कुछ तो बनता है। लेकिन हाँ, बात करते हैं साउथ अफ्रीका के उन दिग्गज खिलाड़ियों की। देखिए, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, जैसे मैंने कहा, जो 99% मुकाबला जीत चुके थे, सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही थी, शायद 30 साल के सूखे को खत्म करने की बात हो रही थी, लेकिन अचानक से उनके लिए वक्त और जज्बात बदल गए। इन सबको लेकर अब तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि फाइनल से मिली हार के बाद बुरी तरह से टूटे हुए हैं तमरेज शम्सी। वो बोले कि कभी सिल्वर मेडल गोल्ड जैसा नहीं हो सकता है। जी हाँ, तमरेज शम्सी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वर्ल्ड कप में हार के बाद उन्होंने लिखा, चाहे आप बराबर खेले और हारे या बहुत अच्छा खेले और हारे, मेरी किताब में ये कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन अच्छा खेल कर जीत गया, सिल्वर कभी भी गोल्ड जैसा नहीं हो सकता। हमने एक टीम के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन हार गए, हालांकि फिर से कोशिश करने वापस आएंगे। कभी भी नरक की तरह दर्द होता है, जी हाँ, ये अभी भी मुझे दर्द दे रहा है, हम कोशिश करने फिर से आएंगे। एक उन्होंने और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, यह हार बहुत दर्दनाक है, दिल टूट गया यार, हमने कोशिश की, हम असफल रहे, हम फिर उठेंगे और अगली बार फिर से कोशिश करेंगे, अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और इस अद्भुत टीम का हिस्सा बनेंगे। सक्षम होना एक बात है, इसके लिए हमारे लिए प्रार्थना करने वाले और हमारे साथ हर पल जीने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। साउथ अफ्रीका ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, अजय उसकी जीत की हकदार भी थी, लेकिन भारत के आगे वो थोड़े बौने नजर आए। साउथ अफ्रीका की हार के बाद एबी डिविलियर्स, फाफ डु प्लेसिस, जैक कॉलिंस, बहुत सारे दिग्गजों के बयान आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि कैसे साउथ अफ्रीकन भारत पर फिक्सर्स के आरोप लग रहे हैं। दरअसल बात यहां पर हो रही है सूर्य कुमार यादव के उस कैच की। सोशल मीडिया पर कहीं ज्यादा बयानबाजी हो रही है उस कैच को लेकर। कई लोगों का मानना है कि उस कैच को अलग अलग एंगल से नहीं देखा गया, यानी उसमें टाइम फ्रेम नहीं लिया गया। इसी वजह से तो साउथ अफ्रीकन के तमाम क्रिकेट से जुड़े लोग हैं वो भारत को फिक्सर बता रहे हैं, क्रिकेट फैंस बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वो कैच को लेकर ये भी कह रहे हैं कि जो बाउंड्री रोप थी वो चेंज की गई ड्यूरिंग द भारत, वो पहले रोप थोड़ी पास में थी लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो रोप थोड़ी दूर कर दी गई। यहाँ पर वो ये फोटोज़ को हथियार बना रहे, अब ये फोटोज़ तो एडिटेड भी हो सकते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। जैसे यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि बिफोर द टॉस द एम्पायर शैल डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ द फील्ड ऑफ प्ले शैल बी फिक्स्ड और ड्यूरेशन ऑफ द मैच। इन्होंने साफ तौर पर वो बाउंड्री चेंज करने के आरोप लगाए हैं, लेकिन इनको ही जवाब इनके ही एक दिग्गज ने दिया है। साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने एक्स अकाउंट में ट्वीट करते हुए लिखा, अपना सिर ऊंचा रखे साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी, आप साउथ अफ्रीका की किसी भी टीम से बहुत आगे निकल गए हैं, आप सभी हीरो हैं, अभी तो आपका बेस्ट आना बाकी है। टीम इंडिया को विश्व कप जीत के लिए बधाई हो, लेकिन उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों को सर ऊंचा रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि आपका बेस्ट आना बाकी है, आप निराश मत होइए। तो वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान ने भी इस हार के बाद
एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपनी मीडिया से बात करते हुए कहा, फिलहाल तो निराश हूँ, इसे उबरने में समय लगेगा। हमने अच्छी गेंदबाजी की और बल्लेबाजी भी अच्छी रही, लेकिन जीत तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा, हमने कई मैचों में देखा कि आखिर तक कुछ नहीं कह सकते। स्कोरबोर्ड का दबाव हमेशा था, यह अच्छा मैच था और इसने साबित किया कि हम फाइनल खेलने के हकदार थे। जबकि पिछली दक्षिण अफ्रीका की टीम अक्सर दबाव में झुक जाती थी, लेकिन इस बार नहीं। उन्होंने कहा, अंत में सब कुछ तेजी से बदल गया। कैसे बदल गया पता नहीं, क्या हो गया पता नहीं, शायद हमने विकेट खो दिए, जिसकी वजह से जो हम मुकाबला जीत चुके थे हम हार गए। उन्होंने कहा, हम अच्छी स्थिति में थे, हम जानते थे कि हम गेम जीत सकते थे। उम्मीद है कि आगे बढ़ते हुए हम इससे सीखेंगे और इसका इस्तेमाल भी करेंगे। भले ही हम मैच हार गए हो, लेकिन ये हमारे लिए देश का गर्व का दिन रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल से लड़के कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं अपनी टीम पर गर्व भी महसूस कर रहा हूँ। इनफैक्ट हम जीतेंगे आगे जाकर। उन्होंने कहा, भारत को हराने के लिए भारत से अच्छा खेल दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन हम कर नहीं पाए। तो वहीं पर T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में मिली भारत से हार से झुंझलाए साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने किया अब शब्दों का इस्तेमाल। जहां डेल स्टैन जो चाहते थे कि उनकी जन्मदिन पर उनकी टीम उनको जीत का तोहफा दे, लेकिन वो हार गए, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, डैश दिस इज टफ, हार्ट ब्रेकिंग, मतलब ये दिल तोड़ना मेरे लिए बहुत टफ रहा है। लेकिन इसके लिए उन्होंने अप शब्दों का इस्तेमाल किया, खैर इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से अप शब्द है। फैफ डू प्लेसिस ने भी एक ट्वीट किया जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल गया, उसमें उन्होंने केवल हार्ट ब्रेकिंग इमोजी लगाया है, मतलब उनका दिल टूट गया है इस मुकाबले के बाद। मिकी ऑर्थर जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी है, उन्होंने भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट, ये क्रिकेट गेम का बहुत बड़ा खेल था। साउथ अफ्रीका के लिए ये जो लगभग मुकाबला जीत गए थे, अपना दिल बड़ा रखें, आपने अच्छा खेल दिखाया। तो ये मिकी ऑर्थर का कहीं ना कहीं ट्वीट था। लेकिन फाइनल मुकाबले को लेकर एक बहुत बड़ा बयान सॉन पोलक ने भी दिया, जो साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और कमेंटेटर इस वक्त है। और इन्होंने जो सूर्या के कैच पर बात कही है, वो आपको और बाकी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के फैंस को भी सुननी चाहिए। इन्होंने इंटरव्यू में सूर्य कुमार यादव का मिलर का जो कैच लिया, उसके बारे में बात करते हुए कहा, देखिए वो कैच पूरी तरह से ठीक था। ये खुद साउथ अफ्रीका का एक दिग्गज है, वो कह रहा है कि वो पूरी तरह से ठीक था, उसमें कहीं भी किसी तरह से कोई कमी नहीं थी। उन्होंने साफ किया कि सूर्य कुमार यादव बाउंड्री ड्रॉप के कुशन के पीछे नहीं हटाया गया था। हाँ, मतलब वो कुशन जो है, बाउंड्री ड्रॉप के कुशन को हटाया नहीं गया था। पोलक ने सूर्या के कैच की तारीफ भी करी थी। बता दें कि मैच के दौरान सॉन पोलक मैदान पर ही मौजूद थे। अब उनके इस बयान के बाद साफ हो जाता है कि टीम पर लग रहे ये बेबुनियादी के आरोप बिल्कुल खारिज हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैच के बाद क्विंटन डिकॉक ने भी कहा, देखिए जिस तरह से हम ये मुकाबला हारे, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। आप एक टीम के रूप में अपना बेस्ट देते हैं और आज हमने वही दिया, लेकिन आखिरी के कुछ ओवरों में अगर आप भारत को इतना बड़ा मौका दोगे तो वो दुनिया की नंबर वन टीम है, वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाएगी। और यही तो खासियत है बेस्ट टीमों की, कि वो अंतिम गेंद तक हार नहीं मानते हैं। और भारत ने आज जिस तरह से कमबैक किया, ये वाकई में इंडियन क्रिकेट टीम ही कर सकती थी। क्विंटन डिकॉक ने माना कि हमने फिनिशिंग मुकाबले में अच्छा नहीं किया, बाकी ऑल ओवर अगर देखें तो हमारी जर्नी बहुत शानदार रही है।